भैया ग्रुप आपका ग्रुप है ना, ग्रुप में हम ऐड कैसे होंगे? ये ना पहले आप ग्रुप में ऐड कराएंगे अपने आपको, बताना मत भाई, ये लंका नहीं है भाई, ये वापस रखता रहा, वापस रखूंगा भाई। देख के काट दिया था, एक की बात नहीं है ना, पड़े तो मल्टीपल शीशे हैं आपकी, एक भी सही नहीं है कि ये कहते हैं कि पुराने वाले जगह ये वाली लगा रहे हैं। अरे भाई तुम्हारी गलती तो कोई है ही नहीं, मैं तुम्हारी गलती तो मैं थाना तो कोई कह नहीं को ला रहा, हाल तो देखो ये दोनों बछड़ा की हाल बहुत बुरो है, वो बुरा रंग वालों बछड़ो मरे पड़े हुए, यो मरन ना हो रहा, जमाईगा औखा औखा सांस चलान आ रहा, मुंह से बेरोनिक सांस लेट भी पान ला रहे हो, कुल पान ला रहे हो, हाल देखो रहा गाया वो, ये देखो हॉस्पिटल का नाम पे क्या करना रहे, ये इतनी दवाइयां पुरानी एक्सपायर निकाली है कट्टा भर के इन्होंने, जो इनको बोलने के बाद में इन्होंने देखा ना कि पहले। क्या हाल है जी आपका, ये कौन सी गौशाला सर? श्री गोमस अस्पताल। एक्सपायरी की बात यह है सर जी, आपके आदरणीय है भाई, हो सकता है कोई एक आधी एक्सपायरी दवाई पाई गई हो, कि मैं ऐसा नहीं कहता क्योंकि संस्था सहयोग से चलती है, कोई आदमी हमें दे गया उस समय हमारे से चेक नहीं हो पाई, उसके हम क्षमा प्रार्थी भी हैं, ये नहीं कहता कि मैं समाज से कि मैं समा क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ, हो सकता है लग गई होगी कोई एक आधी, ऐसा नहीं है हमारे, आपका सामने स्टोर लगा हुआ है, सारा ओपन खुला दरवाज़ा है, आप कहीं से जहाँ से चाहो वहाँ से चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो आराम से जी। मेरे से नहीं पूछा जी, ऐसा नहीं हुआ मेरे से कोई पूछा हो, मौके पे एक डॉक्टर नया रखा गया था जी, उससे जरूर पूछा होगा, हो सकता है उसके बैग में कोई एक आधी कोई वाइल पुरानी होगी, हमारे स्टोर में ऐसी कोई वाइल पुरानी नहीं है, आप खोल के आपको स्टोर चेक करवा देता हूँ, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, खूब अच्छी तरह से बीच में उसमें वीडियो दिख रहा है, कट्टे में दवाइयाँ भर रखी है काफी, बोलो जी कट्टे में कभी दवाइयाँ होती ही नहीं श्रीमान जी, कभी भी नहीं होती कट्टे में दवाइयाँ, तो आप दवाइयाँ देखो आप हमारे, आप हम आपको दिखा रहे हैं, इनकार नहीं कर रहे, आपको दिखा रहे हैं, हम दवाइयाँ देखो आप, एक्सपायर दवाइयाँ कट्टे भरा हो गए हमारे, कहने के बाद ना उन्होंने इकट्ठी की सारी जो एक्सपायर दवाइयाँ हैं, बोलने के बाद उनके बोलने के बाद उन्होंने सारी कट्टे में डाली हुई है, एक्सपायर कट्टा भर चुका है श्रीमान जी, ऐसा हो सकता है आप समझ सकते हैं भाई, हमारे यहाँ कोई हम या इकट्ठी करते हैं, यहाँ दवाइयाँ आती हैं, जो उसमें वीडियो में देखा जा रहा है उसमें कट्टे में डाली हुई भरा हुआ कट्टा है, नहीं जी नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, हमारे सेक्रेटरी साहब हमारे पास बैठे हैं, आप सारी बातें आ जाए उनसे भी पूछ सकते हैं इस बारे में, और आपको हम दिखा भी सकते हैं, ऐसी कट्टे में हमारी कोई दवाइयाँ नहीं, बच्चा भी मरे हुए हैं, दो बच्चे भी मरे, बच्चे तो देखो जीना मरना हमारे हाथ में नहीं होता, ये तो जय ईश्वर की है देन है, अकस्मात उस दिन हो सकता है दो बच्चे मर गए होंगे, जैसे आज भी हमारे पास एक गाय मरी हुई है, ये गोवंश अस्पताल है, हम इलाज करने के लिए लाते हैं, ये लगभग जो है मेरे पास श्री कृष्ण गौशाला, यहाँ से ये गोवंश आता है इसके इलाज के लिए, उसके बाद जो है ये 45 गौशाला से मेरे पास इलाज के लिए गोवंश आता है जी, उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती गौशाला से इलाज के लिए, इस प्रकार मेरे पास लगभग अंदाज़ा जो है 40-50 गाँव से जो है ना गाँव से जो है गौशाला गौएँ आती हैं जिनका हम निरंतर इलाज करते हैं, हमारे पास बकायदा दो डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं है कोई, हो सकता है गलती इंसान से होती है, हो गई होगी, मैं इस बारे में आपको ये भी नहीं कह सकता कि नहीं हुई, हो सकता हो गई होगी, उसका पुनः सुधार कर लिया जाएगा, आगे इस तरह की गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा। सर आप वीडियो बता रहे थे कोई पुरानी है वीडियो? बिल्कुल वो 2 महीने पुरानी है, बच्चे हमारे कल नहीं मरे ये बात अगर कहते हैं वो गलत कहते हैं, हमारे पास सिद्ध कर सकता हूँ,
मृतक पशु वालों के आपको फ़ोन नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर कल वो दो बच्चे लेके गए तो उसका मैं देनदार हूँ, मैं जुम्मेवार हूँ इसका।